तो वहीं सीएम हाउस पिटाई कांड की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने एडी चोटी का जोर लगा दिया है। आरोपी विभव कुमार और 13 मई को हुई घटना को लेकर एक सबूत इकट्ठा किया जा रहा है और इसी बीच पीड़ित राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखी एक पोस्ट के जरिए आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेरह मई की घटना के एक एक सबूत की तलाश, दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक्शन में पुलिस। सबूत बोलेंगे, 13 मई की घटना के राज खोलेंगे। हाई प्रोफाइल पिटाई कांड की कहानी में कितने किरदार हैं, कितने रहस्य हैं, कितनी और कहानियां हैं, इन तमाम सवालों के जवाब बाहर आना बाकी है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। खबर है कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से मुंबई में भी पूछताछ होगी, क्योंकि विभव कुमार ने मुंबई में ही अपने फोन को फॉर्मेट किया था। इस दौरान पुलिस ये भी पता लगाएगी कि मुंबई में विभव कुमार किन किन लोगों के संपर्क में थे। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी के रुख पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। मैं एक और गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी, जो कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबकर एक नया कीर्तिमान बना चुकी है, उसके अनेक नेता जेल में जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल गए, संजय सिंह जी जेल गए, सत्येंद्र जैन जी जेल गए, परंतु आपने कभी केजरीवाल जी को उतना विचलित और उद्वेलित नहीं देखा कि वो सड़क पे निकलकर प्रदर्शन करने लगे जितना विभव कुमार की गिरफ्तारी की बात करने लगे, जबकि वो टेक्निकली पार्टी में कुछ भी नहीं आज की डेट में। ये राज क्या है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है और देश की जनता जानना चाहती है। 13 मई को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई की कहानी का सच क्या है, ये अभी भी पर्दे के पीछे है। यही वजह है कि जांच टीम हर लिंक को जोड़ने की कोशिश कर रही है। एडिशनल डीसीपी अंजिथा छिपियाला को इस केस का जांच अधिकारी बनाया गया है। एडिशनल डीसीपी अंजिथा के अलावा उनके साथ चार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी जांच में शामिल है। इसमें सिविल लाइन थाने के एसएचओ भी है जहाँ केस दर्ज किया गया है। इस केस में रोजाना हो रही तफ्तीश की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले पुलिस टीम विभव के मोबाइल डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश में है। इसके अलावा पुलिस इस मामले में रविवार शाम को ही डीपीआर जब्त कर चुकी है, जिसके जरिए सीसीटीवी के ब्लैंक पार्ट को निकालने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, जांच टीम 13 मई को सीएम हाउस में हुई घटना का सीन भी रिक्रिएट कर चुकी है। उधर स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पर भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे सीएम और एलजी दोनों ने दो बार और महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। फिलहाल इस मामले की कहानी हर कोई समझना चाहता है, क्योंकि जितने सवाल विभव कुमार को लेकर उठ रहे हैं, उतने ही सवाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर